You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। अपस्टार्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपने करंट एक्सचेंज वोस को कैपिटलाइज करने के लिए देखते हैं। पॉलीगॉन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बीच हाई वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करता है। शिबा इनू, इथेरियम और बिटकॉइन अब ब्रिटिश प्रोफेशनल बास्केटबॉल क्लब द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। अमेरिकन एक्सप्रेस बैक्ड क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टेक्सास रेगुलेटर द्वारा फ्रॉड चार्जेस के लिए स्लैम किया जाता है। डेली सीईओ फेस्ड विड्रॉल रिजम्पशन अनाउंस करते हैं। कोर्ट यूएस एसईसी और बाइनेंस का एग्रीमेंट अप्रूव करता है। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक बून। शिबा इनू वेल एब्रप्टली 3.8 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स को मूव करता है। क्रिप्टो पेमेंट्स फ्रॉम वायर अनसर्टेन मंथ्स के बाद शटडाउन होता है। 10,000 बिटकॉइंस एक नए एनोनिमस वॉलेट में ट्रांसफर किए गए क्योंकि बिटकॉइन 4.13% से रिकवर होता है। ओरेकल एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट के लिए चेनलिंक मिलियंस ऑफ लिंक को मूव करता है। पेपे पिछले 24 घंटों में नियरली 10% बढ़ जाता है, जिससे कि नए रैली के स्पेकुलेशन स्ट्राइक होते हैं। यूएस के क्रिप्टो एक्सचेंजेस नोटिस पर चले गए थे जब से FTX जैसे बड़े एक्सचेंज का कोलैप्स हुआ। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने रिसेंट एनफोर्समेंट लगाया बाइनेंस और कॉइनबेस पर, जो कि बड़े खिलाड़ी है। पॉलीगॉन, जो कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट वेब 3 नेटवर्क्स है, उसने रिसेंटली एक पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस किया। करंटली वो $0.6521 पर ट्रेड कर रहा है और 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम $547 million रहा था। मैटिक ने अपने प्राइस में 9.60% की बढ़त देखी पिछले 24 घंटों में। बिटकॉइन और इथेरियम और बाकी क्रिप्टोकरेंसीज जो कि बिटपे द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं, अब ब्रिटिश प्रोफेशनल बास्केटबॉल क्लब में मर्चेंडाइजेस खरीदने के लिए भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। यूजर्स अब लंदन लॉयंस के मार्केटप्लेस में क्रिप्टो यूज कर सकते हैं। द टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने इमरजेंसी सीज और डिसीज ऑर्डर डाला क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एब्रा के अगेंस्ट में। वॉचडॉग ने क्लेम किया कि कंपनी ने अपने कस्टमर्स को विसलेड किया है और सिक्योरिटीज फ्रॉड कमिट किया है अरबा अर्न जैसे प्रोडक्ट्स को ऑफर करके। साउथ कोरिया का टॉप क्रिप्टो लेंडिंग कंपनी डेलो, जो कि लकपुल कंट्रोवर्सी में एम्ब्रॉयल्ड है, उसने 2 दिन पहले अपने विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया था। अभी सीईओ ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो विड्रॉल्स को फेजेस में रिज्यूम करेंगे। द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जज एमी बकवान जैक्सन ने प्रपोज स्टिपुलेशन और कंसेंट ऑर्डर बाइनेंस और SEC के बीच का June 17 को अप्रूव किया। ब्लैक रॉक के क्रिप्टो प्लान की वजह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया है। बिलियनियर माइक ने ब्लैक रॉक के ETF मूव को लॉड किया है। बिटकॉइन की प्राइस $26,300 पर शुरू हुई थी सैटरडे June 17 को और उसकी वैल्यू सिर्फ 24 घंटों में $1,000 से भी अधिक बढ़ गई इसी प्लान की वजह से। एक अननोन क्रिप्टो वेल ने सडनली 3 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स को मूव कर दिया है क्योंकि अल्टकॉइन का मार्केट स्लंप हो रहा है। वेल अलर्ट ने रिवील किया कि ये डीप पॉकेटेड वेल 3.8 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स के साथ, जिसकी वैल्यू $25.6 million होती है, उसे एक अननोन वॉलेट से दूसरे अननोन वॉलेट में ट्रांसफर किया।